हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल कौन कौन इस्तेमाल करता है। मतलब आप किसी जगह पे मोबाइल को रख के जाते हैं या चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाने के बाद आपका मोबाइल की उठाकर यूज़ करता है। तो ये एक ऐसी ऐप है, ये उसकी तस्वीर बना लेती है, उसके बाद ये अपने अंदर उसको सेव कर लेती है। तो आप जैसे ही आएँगे तो वो आपके सामने उसका रिकॉर्ड होगा और आप उससे कह भी सकते हैं कि आपने मेरा मोबाइल उठाया था, ये उसका प्रूफ है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले वही हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे हु टच्ड माई फ़ोन। तो ये भी सर्च कर सकते हैं। अगर ये इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप इसका जो मुखफ़ है, मतलब शार्ट है, वो भी लिख सकते हैं WTMP। तो ये सर्च करके आप ये ऐप भी यहाँ से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। W से हो गया टच, हु, टी से हो गया टच, एम से हो गया माई, पी से हो गया फ़ोन। ये आप सर्च करके ये ऐप हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये ऐप है आपके सामने, आपने इसको डाउनलोड करना है। आप इसका इंटरफेस जो है ना देख लें, इसके क्या फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आपने इसको डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या फ़ीचर हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कितनी तस्वीरें अपने अंदर सेव कर लेती है। जी तो दोस्तों, अब आपने इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद चलते हैं, और इसकी दो परमिशन होती है, वो आपने इसको अलाउ कर देना है। तो इस तरह के इंटरफेस, जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये आप रीड भी कर सकते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ऐप एक्टिवेशन लिखा हुआ है, ओपन ऐप एंड क्लिक दी बटन। ये जो बटन आपको नज़र आना है वो कह रहे हैं ओपन करें, उस पर क्लिक करें। ठीक हो, देन क्लोज़ दी ऐप एंड लॉक योर डिवाइस, और कहते हैं आप इस ऐप को क्लोज़ कर दें, उसके बाद अपने मोबाइल को लॉक कर दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्या लिखा जाए वो देखते हैं। रिकॉर्डिंग रिपोर्ट्स, यूज़र अनलॉक डिवाइस आर ट्राई टू डू इट। वो कहते हैं अगर कोई यूज़र आपकी लॉक खोलने की कोशिश करता है, ये एप्लीकेशन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये जो एप्लीकेशन है ये उसकी ना रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, फोटो लेती है, लिसन ऑफ लॉन्च ऐप और उसकी सेव कर लेती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डिवाइस स्क्रीन गोज आउट ऐप सेव्स रिपोर्ट एंड सो ऑन। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि ये जो डिवाइस है ना, उसका डेटा जो है ना, उसकी तस्वीर वगैरह जो है ना वो सेव कर लेती है और उसको पता भी नहीं चलता। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी क्या है, अच्छा, फेल अनलॉक अटैम्प्ट, यूज़र ट्राई टू अनलॉक डिवाइस सेवरल टाइम्स एज ऐप सेव्स रिपोर्ट। मतलब वो कहते हैं कि जो यूज़र है, मतलब आपका जो मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, वो अनलॉक करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन ये बार बार उसकी जो है ना तस्वीरें खींच के ना अपने अंदर सेव करती रहती है। ठीक हो गया। और उसकी एक रिपोर्ट बनाती रहती है ये ऐप। जी लास्ट पे क्या लिखा है, ब्रोज रिपोर्ट, ब्रोज योर रिपोर्ट इन ऐप। जो इसकी जो रिपोर्ट बनेगी ना, मतलब उसकी तस्वीर या कोई भी डाटा जो सेव करती है, उसको अपने ब्राउज़र में वो क्या करती है, सेव करती रहती है। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको कर देता हूँ ओपन। ओपन करने के लिए ये जो बटन आपको सब्ज कलर का नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ही क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दो तरह की परमिशन आएगी, उसको देखते हैं। जी दोस्तों, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये देख रहे हैं निशान बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस मांगेगा कैमरे की। तो आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये अलाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्लीज़ अलाउ अनलिमिटेड बैकग्राउंड बैटरी यूजर। तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपको बैटरी के ऑप्शन में ले जाएगा। तो यहाँ पर आप यही ऐप ढूँढ के ना उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप वापस आ जाएंगे उसी जगह पर। तो ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि इसमें सब किस जो भी ऐप्स आपके मोबाइल में सब की सब होती हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये कुछ टाइम लेगा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने उस ऐप को ढूंढ के ना उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ही नेक्स्ट जो इसका फीचर है, मतलब इसका जो वर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। जी तो दोस्तों, आपने उसको ढूँढ लेना है जो वो ऐप है। तो मैं इसको ढूँढ लेता हूँ पहले। जी तो दोस्तों, ये ऐप आ गई है मेरे सामने। तो इस पर क्लिक करते हैं और इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपने वापस जाना है, वापस जा के ना इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक हुआ है, जब ये सब्ज हो जाए तो आपने बैक कर देना है। अब बैक करने के बाद आपने इसको क्या करना है,
वो इसका निशान ऊपर देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन इनेबल मतलब वो इसकी जो ऐप वो ओपन हुई पड़ी है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने स्क्रीन को लॉक कर देना है। लॉक करेंगे तो उसके बाद आप रख दें, इसके बाद जैसे कि आपका मोबाइल यूज़ करेगा आपको ये उसका डेटा निकाल के देगी, मतलब उसकी तस्वीर बना के देगी, तो उसकी तस्वीर आपके सामने होगी जो भी आपकी जो मोबाइल यूज़ करेगा। और मोस्टली होता यह है कि हम जिसको कहते हैं कि आपने हमारा मोबाइल यूज़ किया वो कहता है नहीं, लेकिन अब उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम ये जो ऐप है उसकी तस्वीर बना लेती है और स्क्रीनशॉट ले लेती है कि इसने ये इस टाइम आपका मोबाइल इस्तेमाल किया था और ये उसका सबूत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्त का चैनल है हजूर बस के सरायकी के नाम से, वो व्लॉगिंग करता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप व्लॉगिंग के शौकीन हैं, मतलब व्लॉगिंग के चैनल देखना, व्लॉग की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो काइंडली उसको देखें भी सही और उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।